बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज भी एक यूज्ड कार रिव्यू होने वाला है। दिस इज़ बेसिकली एन ओनर्स रिव्यू और इस गाड़ी में हम जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द ओनर ऑफ दिस व्हीकल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा हमें। सप्तैन साजिद ऑन हॉलीडेज फ्रॉम सिडनी। अच्छा सप्तैन भाई, बेसिकली ही डजंट लिव हियर, ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आए हुए थे तो इत्तफाकन हमारी मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा शौक है इन्हें गाड़ियों का और काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इनसे शौक़ के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सप्तैन भाई, किस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, कौन सा मॉडल है, क्या सीन है इसका? दिस इज़ 2007 मार्क एक्स और 2500 G है प्रीमियम। ठीक है। और मार्क एक्स, इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मार्क एक्स ऑन आवर चैनल। अच्छा सप्तैन भाई, मुझे ये बताएं सबसे पहले, कितना अर्सा हो गया इस गाड़ी को आपके पास? इट्स बीन 1 year ऑलमोस्ट। ओके, सो एक साल से आपके पास है ये गाड़ी, क्या आपको ऐसा लगा इस गाड़ी में कि आपने सडनली यही सोचा कि पाकिस्तान में आके मैंने यही लेनी है? क्योंकि आप अभी बता रहे थे काफ़ी वाइड कलेक्शन से आपके पास गाड़ियों की, तो वाई मार्क एक्स ओनली? टू बी ऑनेस्ट, जब से पाकिस्तान आया हूँ यहाँ पे इतने रोड्स नहीं हैं, इतनी पावरफुल गाड़ियाँ नहीं हैं जो कि हम बाहर चलाते हैं, मतलब 4000 CC 5000 CC पेट्रोल। और फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें भी अच्छी खासी हैं और मेरी तरह के जो शौकीन लड़के हैं जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी भी रखना चाहते हैं, भगाना भी चाहते हैं, इकोनॉमिकल भी हो, पार्ट्स भी उसके मिल जाएं और इंजॉय भी कर सकें, तो इसलिए मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगी। प्राइस भी ठीक थी, गाड़ी भी पावरफुल है और जहाँ पे जाते हैं आपको खुद वाइब आती है कि आपको सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हेड टर्न रही है। एग्जैक्टली, नो डाउट। ओके, अच्छा सप्तैन भाई, इसमें आपने कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की हो जब आपने ली थी, उस वक्त स्टॉक थी या उस वक्त ये चीज़ें लगी हुई थी? पहले तो तफसील बताएं इसमें लगा हुआ क्या क्या है आफ्टर मार्केट और फिर आपने क्या करवाया। गाड़ी मैंने ली थी बिल्कुल सिंपल फैमिली कार थी और तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने ढूंढने के बाद मुझे ये गाड़ी मिली है और बड़ी मुश्किल से मैं इसको ले गया हूँ। ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बॉडी किट लगवाई है, डाउन पाइपिंग की है और गाड़ी को स्टॉक ही मैंने किया कि ताकि फैमिली यूज़ में भी रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सप्तैन भाई, सीन इस तरह का ना कि जो पेट्रोल प्राइसेस जा रही हैं इस वक्त, ठीक है, कुछ अर्से पहले तक जिन लोगों को, जिनके पास मार्क एक्स थी या जिनके पास 2000 CC गाड़ियाँ भी थी, दे डिडंट केयर मच अबाउट द ह्यूज व्हीकल दैट दे हैव। लेकिन अब कुछ सीन डिफरेंट होता जा रहा है और डू यू थिंक के ये सफ़ेद हाथी पालने जैसा हो गया? पेट्रोल की प्राइस से फ़र्क आया है, काफ़ी फ़र्क आया, बट ये एवरीडे कार नहीं है। मतलब आप इसे वीकेंड पे निकालें या तो इसे कहीं पे ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, फिर ठीक है, बट आप घर से आप दही लेने, दूध लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर नहीं है। नॉर्मल कम्यूटिंग इस पे नहीं हो सकती, डेली ड्रिवन नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे आप अपनी इस एंटीक चीज़ को हर रोज़ हर वक्त बाहर निकालें, अब्यूज़ हो जाएगी। ट्रैफिक देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी में जाके गाड़ी घुसाएंगे, आप में भी कोई घुसा सकता है, तो आपको अपनी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वीकेंड्स पे निकालें, रात को निकालें। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ विच मुझे ये बताइएगा कि माइलेज क्या दे रही है, बिकॉज मेजर कंसर्न बड़ी गाड़ियों के बारे में यही होता है, शौक तो ऑब्वियसली सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन माइलेज क्या देती है? एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी तो कंसिडर करना पड़ता है, तो अभी ये क्या दे रही है आपको? मुझे इन सिटी देती है 7.5, डिपेंडिंग कि मैं उसको कितना अपना पाऊँ हल्का रख रहा हूँ या तेज़ रख रहा हूँ, तो बहुत ही, अगर ज़्यादा सख्त रखूँ तो बहुत ही जुल्म हो जाए, तो 5.5, इससे नीचे नहीं। और लॉन्ग में 16 देती है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ।
अब कुछ लोग मेरी तरह वो मतलब स्केप्टिकल होंगे कि यार 16 V6 है ये और 16 इनसेन है इस गाड़ी के लिए, अगर ये देती है तो फिनोमिनल चीज़ है ये। बहरहाल ऑप्शंस की बात करें तो फुली लोडेड गाड़ी है ये, मतलब इसकी सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती हैं, मतलब 10 डिफरेंट वेज में आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें आपको सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि इसमें 7 एयरबैग्स आ जाते हैं, EBD है और ABS इसमें ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड ही आता है इस गाड़ी में, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। बताएं ना जी हमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले गेयर बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, कौन सा गेयर बॉक्स इसमें यूज़ हुआ है, कितने गेयर्स होते हैं इसके? इसमें ये है 7 गेयर्स हैं, 6 मैनुअल्स और 7वां रिवर्स, और ऑटोमेटिक है, मैनुअल में भी कन्वर्ट होती है स्पोर्ट्स एडिशन में भी, और बाकी इसमें पुश स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, बट इसमें अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, और खैर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टायर सही है, अगर टायर अगर आपके ख़त्म हैं तो फिर ये टेल करती है। एग्जैक्टली तो 16 का रैम यूज़ है जी? जी इसमें 16 का रैम है, बिल्कुल स्टॉक रिम लगा हुआ है, और 16165 समथिंग। बाकी कोई 2007 चूंकि अब काफ़ी पुराना हो गया, तकरीबन 15 साल पुराना मॉडल है ये, तो वो वैसे शिकायत तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसी शिकायत जो आपको इस गाड़ी से हो कि यार इतने पैसों में ये चीज़ भी हो जाती तो मज़े का हो जाता ये सौदा? मेरा दिल अपनी गाड़ी पे कम, अलबत्त जो 3-4 करोड़ की जब मुझे लैंड क्रूजर पराडो कोई जब मोटरवे पे मिलती है और मैं उसको वेव करता हुआ जब क्रॉस करते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा अच्छा, वो पैसे पूरे हो जाते हैं? वो पैसे पूरे हो जाते हैं। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे और थोड़ा सा मैं भी ड्राइविंग प्लेयर इसका एंजॉय करता हूँ और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस बताता हूँ हाउ इज़ दैट। गाड़ी माशाल्लाह बहुत पावरफुल, 2.5 ऑफ कोर्स गाड़ी है ये, V6 है, और अराउंड वैसे जो स्टॉक गाड़ी होती है ना वो 215 हॉर्स पावर तक ये करती है ये गाड़ी, तो इस गाड़ी के साथ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। सप्तेन भाई, इसके साथ आपने अभी आप कुछ बता रहे थे, आपने कुछ इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी? जी जी, मैं इस्लामाबाद गया था, मैंने इसकी ट्यूनिंग करवाई, मैंने इसके सारे स्पार्क प्लग चेंज किए, आई डोंट नो द नेम बट इसमें अच्छी क्वालिटी के परफॉर्मेंस वाइज अच्छी थी तो मैंने इसकी चेंज करवा ली। जी ठीक है, तो उससे कुछ क्या असर पड़ा? ओपन चैलेंज है 3000 cc वालों के लिए, बट ये है कि आई मीन सनरूफ की कमी है, बाकी आई एम श्योर 3000 cc जितनी भागती है, नॉट 3.5 बट 3000। ठीक है, वो ईजिली टैकल कर लेगी? ईजिली। ठीक है। अच्छा, ही इज़ काइंड ऑफ शाय, इन्होंने अभी ऑलरेडी बताया था कि बड़ी आसानी से 3000 cc के साथ भाग लेती है ये गाड़ी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप नोट करेंगे, पीछे दो बंदे तो आसानी से बैठ सकते हैं, तीसरे बंदे के लिए थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल स्पेस हो जाती है क्योंकि ड्राइव शाफ्ट पीछे जा रही है रेयर व्हील होने की वजह से, और उस वजह से हम्प थोड़ा सा अनयूजुअली बड़ा है इसका। बाकी भागने में यार आउट क्लास गाड़ी है ये, देखें अब हल्के से एक्सेलरेटर पे ये जा रही है, ऑफकोर्स 2.5 है और ऐसी जगह भी नहीं, अभी हम कर्व में जा रहे हैं, अब फिर स्पीड ब्रेकर भी आ गया। सस्पेंशन इसकी अभी मैं आपको बताता हूँ, दिस व्हीकल इज़ नॉट मेड फॉर दीज रोड्स, ये तो कहना पड़ेगा, और जैसे कि सत्यन भाई ख़ुद भी बता रहे थे कि कुछ जो अन ईवन जगह होती हैं वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होता है इसे चलाना, वो बड़ा मोहतात हो के और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस गाड़ी को चलाने में। तो आप इजीली चला लेंगे, वरना ये है कि मेरे जैसा नया बंदा बैठेगा तो डस 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 की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, और बॉडी किट चूँकि ऑलरेडी इसमें लगी हुई है तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें टूट भी जाएं अगर एहतियात से ना चलाई जाए। यहाँ साइड पे अगर देखें आप लोग तो घरों के आगे जो ड्राइव वेज हैं इनके काफ़ी इंक्लाइंड हैं, तो इन जगहों पे इन्हें चढ़ाना ज़रा सा, इन गाड़ियों को बड़ा मोहतात होकर चढ़ाना पड़ता है। बाकी
अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी का कि आप ये जो फ्रंट सीट्स हैं इन्हें आगे करके और ये पूरा बेड बन जाता है, तो लॉन्ग रूट्स पे आप जब थक जाएं तो आप बड़े सुकून से इस गाड़ी में लेट भी सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि हर गाड़ी में आपको नहीं मिलता। स्पीकिंग ऑफ हर चीज़ हर गाड़ी में नहीं मिलती, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें। सत्यन भाई वो मुझे बताइएगा, वो जो आपके पास लगा हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल और मोड्स वगैरह, ये हर गाड़ी में आता है? नहीं, ये हर गाड़ी में नहीं है, ये जी में है, और आई गेस जो मार्केट्स के ज़्यादा शौकीन होंगे उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। बस गाड़ियों में अगर ये है तो पुश स्टार्ट नहीं है, किसी की रेयर फ्रंट इलेक्ट्रिक सीट है तो रेयर पैसेंजर वाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, किसी में है किसी में नहीं है। इसमें हर चीज़ तकरीबन, इसमें ऑलमोस्ट हर है सवाए ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर आप दिखा सकें, ये लास्ट मॉडल था 2007 जिसके अंदर आपको एश ट्रे और लाइटर का ऑप्शन मिलता था। 2007 के बाद ये आना बंद हो गया था ये सिस्टम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, यहाँ पे आपको डिस्क चेंजर वगैरह मिल जाता है। बाकी गाड़ी पुश स्टार्ट बटन के साथ आती है ऑफकोर्स, और ये कहना भी अजीब सी बात होगी कि सारी जो विंडोज़ हैं वो पावर्ड हैं। तो अब कुछ बातें करते हैं इसके मिसिंग फीचर्स की। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप मिस करेंगे अगर आप लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट गाड़ियों के आदि हो चुके हैं, तो बैड न्यूज़ ये है कि इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। इसमें सनरूफ का ऑप्शन होना चाहिए था, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो भी इसमें मौजूद नहीं है। तो कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, शॉर्ट कमिंग्स हर चीज़ में होती हैं। तो इट इज़ वन ऑफ दोज केसेस के कुछ फ्यू चीज थिंग्स जो हैं वो मिसिंग हैं इस गाड़ी में से। अदरवाइज आर यू हैप्पी टू बी एन ओनर सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेरी हैप्पी, बिकॉज जिस लेवल की ये गाड़ी है, जो राइडिंग प्लेयर, ड्राइविंग प्लेयर ये देती है, बहुत ही आउट क्लास है। मैंने अभी चलाया, हालांकि आपने अभी देखा भी होगा जैसे मैं चला रहा था, इनकी जो पाँव है मुसलसल राइट फुट एक्सलेटर पे जा रहा था वहाँ बैठ के, तो वो तेज़ कर नहीं सकते गाड़ी को। मैं बड़ा स्लो स्लो चला रहा था, स्टिल जहाँ पे इसे आप एक्सलेटर दें गाड़ी कहती है बस अब तुम पीछे हो जाओ, अगला काम मेरा। सो वेरी पावरफुल व्हीकल, आई लिटरली लव्ड इट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्राइस की। अच्छा सप्तन भाई, अगर इफ़ यू आर विलिंग टू सेल इट, सबसे पहले तो बताएं, आर यू विलिंग टू सेल इट? नॉट वेरी सून, अभी कोई इरादा नहीं है, बट हाँ अगर कोई मुझे मेरे जैसा शौकीन बंदा मिलता है तो डेफिनेटली ही डिजर्व इट। तो वो प्राइस ब्रैकेट क्या है? What are you asking? Currently, मैं गाड़ी आपने जैसा देखा है, मैं इसको बिल्कुल फिक्स करके, अभी मेरी हफ्ते 10 दिन बाद फ्लाइट है, तो होपफुली मैं गाड़ी को बिल्कुल रेडी यस करके जाऊंगा। एंड आई एम आस्किंग 34. ऑलराइट, सो जैसा कि आप लोगों ने सुना 34 ही इज आस्किंग, 34 लाख रुपए इसके आस्किंग प्राइस है। इफ यू आर ए मार्क एक्स लवर यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, और बाकी बात फिर फ़ोन पे कीजिएगा इनके साथ, नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वेरी लॉन्ग वीडियो। अगर तो वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो वेरी मच, गिव इट अ लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगेन कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।